द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ हुनुर रहमान। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने योगी के मंत्री को भरी सभा में बेइज्जत कर दिया। कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल इटावा में कार्यक्रम हो रहा था। इटावा के कार्यक्रम में सांसद जितिन प्रसाद पहुंचे। यहाँ पर सांसद जितिन प्रसाद जो है वो भाषण दे रहे थे। उसी दौरान सांसद जितिन प्रसाद ने ये कह दिया कि अगर मंत्री जी मुझे बता दें कि 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं तो मैं 200 करोड़ रुपए बनवा दूंगा, इस तरह से वो कहते हैं। जिसके बाद योगी के मंत्री वहां पर कहते हैं कि 6 जीरो होते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां इस वीडियो को लेकर जमकर चुटकी भी ले रही हैं और सोशल मीडिया पर यूजर्स की बात करें तो वो भी इस वीडियो को लेकर जमकर चुटकी ले रहे हैं। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को यही नहीं पता कि करोड़ में जीरो कितने होते हैं। यहाँ पर मंत्री जी 6 जीरो कह रहे हैं, 20 करोड़ में 6 जीरो बता रहे हैं और स्टेज पर भी सब ठाके लगा लगा कर हंस रहे हैं। जितिन प्रसाद भी खुद हंस रहे हैं। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि योगी के मंत्रियों का मैथ्स में क्या हाल है, गणित में क्या हाल है। यहाँ पर कांग्रेस ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। शिवपाल सिंह यादव भी इस वीडियो को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस का ट्वीट सबसे पहले देखिए। यहाँ पर यहाँ लिखा है कि इटावा के कार्यक्रम में मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सांसद जी अगर बता दें कि 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं तो मैं 200 करोड़ रुपए का बनवा दूंगा, ऐसा जितिन प्रसाद कहते हैं। सांसद रामाशंकर कठोरिया उतने में कहते हैं कि 6 जीरो होते हैं। यहाँ बार बार वो 6-6 कहते हैं कि 6 जीरो होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने आगे लिखा है कि वाह मंत्री जी, वाह सांसद जी, क्या अद्भुत संवाद, क्या अद्भुत ज्ञान है। वैसे मानने वाली बात तो ये है कि मिनिस्टर साहब को मंत्री के गणित की पूरी जानकारी थी। अब बाहर ये भाजपा वाले खुद को चाहे कितना भी पढ़ा लिखा बता ले, अंदर तो बात छुपने से रही। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद ने जिस तरह से सांसद से, योगी के मंत्री से सवाल पूछा कि आप एक बार बता दीजिए कि 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो उनको पता था कि मैथ्स में उनका हाल जो है वो खराब है, इसलिए उन्होंने जो है ये सवाल सबके सामने पूछा उनकी बेइज्जती करने के लिए। इस तरह से सोशल मीडिया पर जो है वो कई तरह की बातें कही जा रही हैं। आप भी वीडियो सुनिए, पहले तो जितिन प्रसाद को यहाँ पर सुनिए कि जितिन प्रसाद यहाँ पूछते हैं कि सांसद जी अगर बता दें कि 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं तो मैं 200 करोड़ रुपए का बनवा दूंगा। देखिए वीडियो। सांसद जी अगर बता दें कि 20 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं तो मैं 200 करोड़ का बनवा दूंगा। तो यहाँ पर आपने जितिन प्रसाद का ये वीडियो देखा। अब यहाँ पर सांसद ने क्या जवाब दिया है, जितिन प्रसाद ने जो जीरो वाला सवाल उनसे पूछा है कि 20 करोड़ में बता दीजिए कितने जीरो होते हैं, तो यहाँ पर सांसद रामाशंकर कठोरिया ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। यहाँ पर वो 6 जीरो बोलते हैं कि 20 करोड़ में 6 जीरो लगते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। 1 लाख में 5 जीरो लगते हैं, 1 करोड़ में 7 जीरो लगते हैं, तो इस हिसाब से 20 करोड़ का भी कैलकुलेट कर लेते। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर ज्ञान कितना है और वो कितना पढ़े लिखे हैं, कितना अनुभवी है, इस बात का अंदाजा आप ये वीडियो देखकर लगा सकते हैं। आप भी देखिए किस तरह से वो 20 करोड़ में 6 जीरो बता रहे हैं। देखिए वीडियो। तो ये वीडियो आपने देखा, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग जमकर चुटकी ले रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये नेता जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाल ही यही है, कोई कह रहा है कि इतना तो कॉमन सेंस है, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, आप सांसद हैं, मंत्री हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 20 करोड़ में 1 करोड़ में 5 लाख में कितने जीरो होते हैं, ये तो बताने वाली बात ही नहीं। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो हंसी मजाक है और आप हंसी मजाक को जो है वो राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जब जितिन प्रसाद सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे कि 20 करोड़ में जीरो बता दीजिए, तो यहाँ पर सांसद को मजाक किए बिना सही आंसर, सही उत्तर जो है वो देना चाहिए था और बताना चाहिए था। अब आप ही सोचिए कि एक सांसद दूसरे सांसद से पूछ रहा है कि बता दीजिए 20 करोड़ में कितने जीरो है, तो ये उनका मजाक बनाने के लिए। सांसद को पता होगा कि उन्हें पता ही नहीं है कि जीरो कितने आते हैं और कितने लगते हैं। यहाँ पर शिवपाल यादव का भी आप ट्वीट देख रहे हैं, उन्होंने भी यही वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि माननीय इटावा सांसद जी का गणित भी गड़बड़ झाले का शिकार है,
वैसे दानवीर नजर आ रहे लोक निर्माण मंत्री मंत्री जी विधानसभा सत्र में संबंधित विभाग पर आर्थिक चर्चा से भागते रहे। जब पूरे कुएं में भाग पड़ी हो तो गणित, रसायन, अर्थशास्त्र और इतिहास ही नहीं वर्तमान पर भी गहरा संकट जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनके वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग जमकर वायरल कर रहे हैं और जमकर जो है इनकी चुटकी ले रहे हैं। हिंदुस्तान लाइव का आर्टिकल भी है इस वायरल वीडियो को लेकर। हिंदुस्तान लाइव के आर्टिकल में भी लिखा है कि 20 करोड़ में कितने जीरो, जितिन प्रसाद के गणित में फंसे बीजेपी सांसद रमाशंकर कठेरिया, कांग्रेस शिवपाल ने ऐसे कसा तंज। तो कांग्रेस और शिवपाल सिंह यादव ने किस तरह से इस वीडियो को लेकर चुटकी ली है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आर्टिकल में क्या लिखा है। आर्टिकल में लिखा है कि कभी भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के जीरो में फंस जाते हैं, अब योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद के जीरो के चक्कर में भाजपा के ही सांसद रमाशंकर कठेरिया फंस गए। इटावा पीडब्ल्यू की तरफ से आयोजित विकास योजनाओं का लोकार्पण समारोह में अचानक ही मंत्री जितिन प्रसाद ने सांसद रामाशंकर कठेरिया से पूछ लिया कि 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। ये इस तरह से सवाल था जैसे क्लास में कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे से पूछ ले क्योंकि उसे पता है कि उसका आंसर उसको नहीं पता है और जानबूझकर उसकी बेइज्जती करने के लिए उससे वो सवाल पूछ ले और जमकर फिर उसका मजाक बनाए। ये वीडियो भी कुछ इसी तरह का है। आगे इसमें लिखा है कि उन्होंने पूछ लिया कि 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, सांसद सही जवाब नहीं दे सके और वीडियो तेजी से वायरल हो गया। कांग्रेस और सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी सांसद के गणित ज्ञान पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। तो जाहिर सी बात है माननीय सांसद जी जो है वो सरकार में बैठे हैं, मंत्री हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे नेता देश का भविष्य कैसे सुधारेंगे जिन्हें यही नहीं पता कि 1 करोड़ या 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस ही यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते। आगे लिखा है कि इटावा क्लब परिसर में भाजपा ने 30 योजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम रखा था। लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद बतौर वहां पर मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। अपने संबोधन के दौरान ही नितिन प्रसाद ने एक सड़क की लागत 20 करोड़ रुपए बताते हुए चुटकी ले ली। उन्होंने सांसद रामशंकर कठेरिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यदि ये बता दे कि 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं तो फिर हम 200 करोड़ की लागत की सड़क योजना बनवा देंगे। मंच पर ही खड़े होकर कठेरिया ने जीरो की संख्या 6 बार बता दी, यानी कि उन्होंने, आपने वीडियो देखा जिसमें वो कोट भी करके लिखा गया है कि उन्होंने संख्या जो है वो 6 बताई है कि जीरो कितने होते हैं। कठोरिया का जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग जो है वो जोरदार ठहाके लगाने लगे। खुद जितिन प्रसाद भी मंच पर हंस पड़े। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विपक्षी दलों ने मौका जो है वो जाने नहीं दिया। अपने इलाके में सांसद के ज्ञान पर सपा नेता शिवपाल यादव ने भी उन्हें घेर लिया। शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया, ट्वीट आपने देखा, और यहाँ पर कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, कांग्रेस का ट्वीट भी आपने यहाँ पर देखा। अब आप भी बीजेपी नेता के इस गणित वाले ज्ञान को लेकर क्या सोचते हैं, जिस तरह से वो 20 करोड़ में 6 जीरो बता रहे हैं और जितिन प्रसाद उनकी जमकर चुटकी ले रहे हैं, आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।